स्वागत है आप सभी का एमटीवी न्यूज इंडिया की एक नई वीडियो में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल। आज इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी। आपको बता दें, देश में कुछ राज्यों में बारिश के चलते मौसम का मिजाज बदला है। यूपी के कुछ शहरों में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश कहर बनकर टूटी है। कई जिलों में हालात बिगड़ने से कुछ लोगों की मौत हो गई। लंबे समय से सुस्त पड़ा मानसून एक बार फिर एक्टिव हुआ है। ऐसे में आज भी मौसम विभाग ने कई जगहों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का एक क्षेत्र सक्रिय होता दिख रहा है, जिस वजह से कई जगहों पर हल्की से मध्यम भारी बारिश हो सकती है। आज पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। यूपी में कई जिलों में आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव हुआ है। ऐसे में यहाँ भी कई जिलों में बिजली गिरने और चमकने और मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लखनऊ, केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में फिर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश से राहत के आसार नहीं है, इसीलिए उत्तराखंड में दो दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, हरियाणा, हरिद्वार और बागेश्वर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के मौसम का हाल, देश भर में मौसम विभाग ने अजीब रंग दिखा रहा है। कश्मीर में हीट वेव चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वीकेंड तक कश्मीर में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर की माने तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ तटीय आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश के पश्चिम हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देश में तमाम राज्यों में आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग की माने तो आज यानी 15 सितंबर को ओडिशा, गंगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भारी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो बारिश इन राज्यों में अगले कुछ दिनों से 4 से 5 दिनों तक सुदूर इलाकों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। धीरे धीरे मानसून अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने लगा है। हालांकि पिछले कई दिनों से ये एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। ऐसे में देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से छिटपुट से लेकर मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश भी हो रही है। इसी कड़ी में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का एक क्षेत्र सक्रिय होता दिख रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर हल्की से अच्छी बारिश हो रही है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर आज बुधवार को रुक रुक कर बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों तेज बारिश की संभावना है। इसी कड़ी में आज भी उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से मध्यम तेज बारिश की संभावना है। आईएमडी ने यूपी के कई जिलों के लिए आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।